आज का दिन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। सूबे में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद लगे प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार के रोज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि इंटरनेट तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट है। सादी भाषा में कैसे कहें कि आपके फोन पर चलने वाले इंटरनेट को आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ दिया गया है। अब आपको इंटरनेट रहम की तरह नहीं मिलेगा, हक की तरह मिलेगा। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन को आवश्यक सेवाओं जैसे शिक्षा संस्थान और अस्पतालों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार से कहा है कि ये जो रोक लगी है इसका रिव्यू करें। ये फैसला जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों में आया है, लेकिन इंटरनेट तक पहुंच और उस पर प्रशासन द्वारा किसी भी वजह से लगाई जाने वाली रोक एक बड़ी बहस का मुद्दा है। खासतौर पर सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों के संदर्भ में इंटरनेट भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर प्रतिरोध का, डिसेंट का एक माध्यम है। लेकिन सरकार की भी अपनी वाजिब चिंताएं हैं, माने दोनों पक्षों के अपने तर्क। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आज इस बहस में उठ रहे कई सवालों के जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश देश भर में लागू कानून जितना वजन रखता है, तो बड़ी खबर में आज बात इसी की कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आज के माहौल में डिसेंट या एतराज को किस तरह आकार देगा, और इस पर भी बात करेंगे कि इस एतराज को सरकार संविधान की हद में रहते हुए कितना काबू कर पाएगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज अदालत में हुआ क्या। जम्मू कश्मीर में 5 महीने से इंटरनेट बंद है। सूबे में लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी। इसमें कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और कश्मीर टाइम्स अखबार के एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिकाएं भी थी। इन सब पर आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच के सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस रमन्ना। कोर्ट ने साफ कहा कि अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करना टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन है। ये भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट तक पहुंच को संविधान का संरक्षण दिया, और इसलिए ये टिप्पणी, ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले पिछले बरस केरल के उच्च न्यायालय ने भी इंटरनेट को मूलभूत अधिकार माना था। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19 से इंटरनेट को आज के फैसले में जोड़ा। अनुच्छेद 19 में दो चीजें, आर्टिकल 19(1) का ए, इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, और दूसरा आर्टिकल 19(1) का जी, इसके तहत कोई भी पेशा, व्यापार या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता आती है। इसके अलावा क्या हुआ? कोर्ट ने धारा 144 पर भी अपनी बात रखी, क्योंकि इंटरनेट के अलावा धारा 144 लागू कर दी जाती है जब भी सरकार को लगता है कहीं उपद्रव हो सकता है, अशांति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 144 का इस्तेमाल किसी की अलहदा राय को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर शासन का तर्क था कि अदालत धारा 144 लगाने के हर आदेश की जांच नहीं कर सकती। अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और हुक्म दिया कि वो सारे आदेश जिनसे धारा 144 लगाई गई अदालत में पेश किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि धारा 144 लगाते समय मैजिस्ट्रेट अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सुरक्षा और नागरिकों की आजादी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। अगर लगातार एक ही तरह के आदेश बिना विवेक के दिए जाते रहे तो मूलभूत अधिकारों का हनन होगा। इस जटिल बात को सादी हिंदी में कैसे समझें? सादी हिंदी में बात यह है कि अगर सरकार लगातार जुलूसों या प्रदर्शनों को रोकने के लिए 144 धारा लगाती है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला देकर कोर्ट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूलभूत अधिकार बने इंटरनेट पर क्या कभी रोक नहीं लग सकती? जवाब है नहीं। कोर्ट ने यह कतई नहीं कहा कि रोक लग ही नहीं सकती। इंटरनेट पर रोक लगाने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(2) का हवाला दिया। ये राज्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति देता है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, मूलभूत अधिकारों पर मनमाने तरीके से रोक नहीं लगा जा सकती, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल किया जाए, यानी रोक लगाते हुए अनुपात का ध्यान रखा जाए। सादी भाषा में मतलब ये कि इंटरनेट पर रोक तब लग सकती है जब ठोस वजह हो। बेंच ने यह भी कहा कि मूलभूत अधिकारों पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब सभी कारकों पर विचार हो जाए और रोक लगाने के अलावा कोई चारा ना हो। ऐसा कोई भी आदेश जो इंटरनेट सेवाओं को सीमित करता हो या रोकता हो, वो हमेशा जुडिशियल स्क्रूटनी में भी आएगा। मतलब सरकार अगर ये फैसला लेगी
तो ऐसे किसी भी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। यानी इंटरनेट बंद करने की शिकायत भी अदालत में की जा सकती है और इस पर अदालत आदेश भी दे सकती है। सरकार को इंटरनेट बंद करने के कारण सार्वजनिक करने होंगे और इन्हीं कारणों को बाद में अदालत में चुनौती दी जा सकती है। एक सवाल ये उपजता है इस पूरे फैसले और टिप्पणी से कि क्या घाटी में, कश्मीर घाटी में इंटरनेट बंद करना गैरकानूनी था, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ बोला? जवाब है नहीं। कोर्ट ने घाटी में इंटरनेट बंद करने को सीधे तौर पर गैरकानूनी नहीं बताया। अदालत ने बस इतना कहा कि सरकार इस बात पर दोबारा विचार करे कि इंटरनेट बंद रखना जरूरी है या नहीं। तकनीकी रूप से इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इंटरनेट बंद करने के लिए नए फैसले ले सकती है, लेकिन वो फैसले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही लिए जा सकेंगे। ऐसा न होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना तक मानी जा सकती है और सरकार इससे जरूर बचना चाहेगी। और आखिरी में यक्ष प्रश्न, आगे क्या होगा? कश्मीर घाटी के संदर्भ में यह फैसला अहम है। वहां लोगों को हिरासत में लिए जाने के मामले, धारा 144 और इंटरनेट बंद करने के आदेशों को अब आ जाए फैसले को आधार बनाकर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर शासन का काम बढ़ने वाला है। बाकी देश के संदर्भ में यह फैसला सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों के वक्त काम आ सकता है। ये देखा जाता है कि सरकार प्रदर्शन होने से पहले धारा 144 लगा देती है, इंटरनेट बंद कर देती है। अब ये सब करते हुए सरकार को अपने फैसलों का दुरुस्त बचाव रखना होगा, तर्क रखने होंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में जा सकता है। कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी का नुकसान नहीं होता तब तक सरकार से एतराज जताना अपराध नहीं है, और उस एतराज को सरकार सुन सकती है, अनसुना कर सकती है, कुचल नहीं सकती।